हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है हमारी गूगल एड सीरीज का फोर्थ पार्ट। इससे पहले के तीन वीडियोस में हमने गूगल एड्स की एड रैंक, कीवर्ड मैच टाइप्स और अकाउंट के स्ट्रक्चर के डिजाइन के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम गूगल एड्स अकाउंट को सेटअप करना सीखेंगे और जो एड बनाने की प्रोसेस होती है उसका जो पहला स्टेप होता है सही टाइप के कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना, उसके बारे में जानेंगे ताकि हम एक अच्छा कैंपेन बना सकें। आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपके कैंपेन की सक्सेस को डिसाइड करते हैं। आपके कैंपेन को अच्छा रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस टाइप की ऑडियंस मिलेगी, क्यों मिलेगी, ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं इसी कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सेट करने के साथ ही में। तो चलते हैं जल्दी से अपने डैशबोर्ड में और देखते हैं गूगल एड्स अकाउंट को कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर इस सीरीज के इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, इससे पहले की तीन वीडियोस को आपने नहीं देखा है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को पूरा खत्म करने से पहले, इनफैक्ट आगे का पार्ट शुरू करने से पहले, उन तीन वीडियोस को जरूर देखें। इस पूरे कोर्स को, इस पूरी एंटायर सीरीज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब आप पहले के सारे वीडियोस को देखेंगे तभी आपको आगे आने वाले वीडियोस का फायदा मिलेगा। अदरवाइज जब मैं कोई टेक्निकल वर्ड बोलूंगा और अगर आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो आपका ये टाइम भी बर्बाद गया और नॉलेज भी नहीं मिलेगी, फायदा क्या होगा। सो पहले वो तीन वीडियो फिनिश करिए और देन इसके बाद आकर इस वीडियो को शुरू करिए। सो विद दैट सेट, जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी तीनों वीडियोस फिनिश कर रखे हैं उनके लिए ये सीरीज शुरू करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और गूगल एड्स अकाउंट को सेटअप करना शुरू करते हैं। सो हम हैं क्रोम पर और गूगल एड्स पर जाने के लिए आपको URL विजिट करना होगा ads.google.com। टिपिकल गूगल पैटर्न है कि आपको जो भी सर्विस यूज करनी पड़ती है उसका सब डोमेन यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल मेल यानी कि Gmail आपके लिए बन जाती है mail.google.com और गूगल एड्स बन जाते हैं ads.google.com। सो हम आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन इन करना होगा। हम साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे एंड मेक श्योर कि आप जिस ईमेल आईडी से अपना गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आप सेलेक्ट करें या उसी ईमेल आईडी से अपने ब्राउजर पर लॉग्ड इन हो। नाउ आप एक ईमेल आईडी के साथ में एक से ज्यादा गूगल एड्स अकाउंट भी बना सकते हैं या फिर अगर आपने अपने ब्राउजर पर एक से ज्यादा ईमेल आईडीज को कनेक्ट कर रखा है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी को स्विच भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर इस ब्राउजर में फिलहाल एक ही गूगल अकाउंट लिंक्ड है, एक ही गूगल अकाउंट लॉग इन किया हुआ है, तो हम उसी पर गूगल एड अकाउंट बनाएंगे। मैं क्लिक करूंगा न्यू गूगल एड्स अकाउंट बटन पर एंड देन यहाँ पर हमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिजनेस इन्फॉर्मेशन एड करनी चाहिए, एड्स बनाने चाहिए और अपना एड बजट क्रिएट करना चाहिए। नाउ यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना पहला कैंपेन बनाना शुरू कर सकते हैं बट ये अभी फिलहाल हमारा पर्पस नहीं है, हमें पहले अपने अकाउंट को प्रॉपर तरीके से सेटअप करना है। सो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्किप कैंपेन क्रिएशन बटन पर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड देन इसके बाद यहाँ पर मैं अकाउंट क्रिएशन की एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी मुझे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिलिंग कंट्री पहले प्रोवाइड करनी है यानी कि जहाँ भी जिस भी कंट्री से आप पेमेंट करने वाले हैं, जिस करेंसी में आप पेमेंट करने वाले हैं उस कंट्री को और टाइम जोन को आपको सेलेक्ट करना है। मे बी हो सकता है कि आप अपने अमेरिकन या फिर यूरोपियन क्लाइंट के लिए एड रन करना चाहते हैं बट अगर आप अपने अकाउंट से पेमेंट करने जा रहे हैं, आप अपने पेमेंट मेथड से पेमेंट करेंगे तो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे इंडिया ही। लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपसे अकाउंट बनाने को कह रहा है लेकिन उसमें जो पेमेंट मेथड होगा, जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन होगी, बिलिंग इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी क्लाइंट की होगी, तो आप क्लाइंट की कंट्री के हिसाब से टाइम जोन, बिलिंग कंट्री और करेंसी वगैरह को सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी मैंने कोई वीपीएन वगैरह नहीं लगाया हुआ है तो यहाँ पर बिलिंग कंट्री इंडिया सिलेक्टेड है, टाइम जोन भी सही सिलेक्टेड है और करेंसी भी सही सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर आपको एक छोटा सा ये नोटिफिकेशन हो सकता है देखने को मिले, अभी हमें देखने को मिल रहा है गूगल इस ऑफर को कभी अप्लाई करता है कभी रिट्रैक्ट करता है कि अगर मैं 20,000 रुपीज खर्च करता हूँ एड रन करने पे तो मुझे 20,000 रुपीज का क्रेडिट मिलेगा, मुझे दो महीने के अंदर 20,000 खर्च करने होते हैं। बट बेसिकली अगर देखा जाए, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो कई बार कई सारे क्लाइंट्स के अकाउंट में ये क्रेडिट आता है, कुछ लोगों को गूगल 20,000 रुपीज खर्च करने के बाद रिजेक्ट भी कर देता है अपनी तरीके से और उसके लिए कोई खास एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता है। तो ये आपके ऊपर है, आपके लक के ऊपर है, अगर ये मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको नई पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है यानी कि आप अपने पेमेंट मेथड वगैरह को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पेमेंट्स प्रोफाइल बटन पर और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को वेरीफाई करना चाहते हैं या फिर इंडिविजुअल के तरीके से वेरीफाई करना चाहते हैं। सो इस पेमेंट प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस समझने के लिए आपको जाना होगा गूगल के एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर में। एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर नॉर्मल पब्लिक को एक ऑप्शन देता है कि वो ये देख सकें कि आखिर जो हम ये एड देख रहे हैं गूगल के किसी भी प्लेटफॉर्म पर
उसके पीछे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल कितने और अलग अलग कंपनीज को, प्रोडक्ट्स को, ब्रांड्स को प्रमोट कर रहा है, आखिर ये कौन है, ये जो जिम्मेदारी है, ये जवाबदेही है, इसको सेट करने का काम करता है एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर गूगल का। हम इस पेज पर आते हैं जहां पर आप सर्च कर सकते हो किसी भी एडवर्टाइजर को। लेट्स से दैट यू वांट टू सी कि आखिर गूगल पर facebook.com कितने एड चलाता है। तो मैं यहां पर सर्च करूंगा सीधे facebook.com, और अगर facebook.com ऐड चला रहा है, रन कर रहा है, तो ये URL या कंपनी का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ पर URL भी सर्च कर सकते हैं किसी वेबसाइट का या लैंडिंग पेज का, या फिर आप एडवर्टाइजर के ब्रांड नेम, कंपनी नेम को भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर facebook.com मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, और आप यहाँ देखोगे किसी भी एनी टाइम, मतलब ये टाइम फ्रेम नहीं है, अगर यहाँ पर चाहें तो हम 30 days, 7 days, एनी टाइम, या फिर आप कस्टम भी डिसाइड कर सकते हो कि आप किस डेट से किस डेट के बीच के एडवर्टाइज को देखना चाहते हो। मैं क्लिक आउट कर देता हूं, यहां पर शोन इन इंडिया यानी कि इंडियन रीजन के लिए ऐड दिखाए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी facebook.com फेसबुक कंपनी गूगल पर ऐड रन कर रही वो मैं देखना चाहता हूं, तो यहां पर मैं एनी वेयर भी सेलेक्ट कर सकता हूं, बट अभी राइट नाउ इंडिया ही सिलेक्टेड है। एंड देन ऑल फॉर्मेट यानी कि इमेज एड, टेक्स्ट एड, वीडियो एड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब जितने भी फेसबुक ने google.com पर ऐड रन किए वो यहां पर पूरे दिखाई दे रहे हैं। इन एड्स का टेक्स्ट आप देख सकते हो, कॉन्टेंट देख सकते हो, इनके ग्राफिक्स को देखा जा सकता है। ये सारे वो ऐड है जो अभी गूगल पर फेसबुक ने चलाए हैं किसी भी टाइम पर। अगर मैं देखना चाहता हूं कि लास्ट 30 days में कितने ऐड चलाए हैं तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर सकता हूं, एंड देन यहां पर वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो ये यहां पर जब पेमेंट प्रोफाइल लेता है गूगल, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इस ट्रांसपेरेंसी सेंटर को बिल्ड करने का काम आती है, किसी भी ऐड के पीछे कौन सा पर्सन या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ये यहां पर पता लगता है। तो यहां पर जैसे मैंने लैंडिंग पेज सर्च किया था facebook.com, लेकिन जो एडवर्टाइजर है वो मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक यानी इनकॉर्पोरेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन यहां पर मिल रही है। तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप एज इंडिविजुअल्स रजिस्टर करना चाहते हो या ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप एज इंडिविजुअल अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आप फ्यूचर में फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप फ्यूचर में अपने आप को एज ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से रजिस्टर करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी को फिर से एक बार प्रूव करना पड़ेगा, राइट। अभी ये प्रोसेस सिर्फ पेमेंट प्रोफाइल के ऊपर है, लेकिन इसके बाद आपको अपनी लीगल इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपना पैन कार्ड, अगर आप एज ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी राइट नाउ के लिए एज इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर लीगल नेम मैंने अपना एंटर कर दिया, अमित तिवारी, एंड देन इसके बाद मैं एड्रेस ऐड कर देता हूँ, एंड देन इसके बाद सिटी, पिन कोड, एंड देन इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, एंड देन इसके बाद मैं क्रिएट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड को ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आप कैसे अपने पेमेंट को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। राइट नाउ के लिए मैं यहाँ पर कार्ड को ऐड कर देता हूँ। नाउ इसके बाद हाउ यू पे ऑप्शन है, जहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप क्या अपने एड्स के लिए पहले से पे करना चाहते हो, या जब आपके ऐड रन हो जाए उसके बाद आप पे करना चाहते हो, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे। अगर आप पोस्ट पे सिलेक्ट करते हो तो पोस्ट पे, यानी कि आपके ऐड जब रन हो जाएंगे उसके बाद हर एक महीने की एक तारीख को आपको एक बिल जनरेट करके मिलेगा, जिसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आपके पेमेंट मेथड से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में डिडक्ट होगा। और अगर आप मैनुअल पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप मैनुअल पेमेंट को सेटअप करके अपने अकाउंट में पहले से फंड को ऐड कर सकते हो। तो अभी राइट नाउ मैं पोस्ट पे सेलेक्ट कर लेता हूं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूं, एंड देन इसके बाद आई एग्री टू गूगल एड्स टर्म मुझे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने नो सेलेक्ट कर लिया है, एंड इसके बाद मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने नो इसलिए सेलेक्ट किया है बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पर जब हम पहली बार इसको यस क्लिक करके और गूगल एड्स टीम को परमिशन देते हैं तो सिर्फ गूगल एड्स अकाउंट को सेटअप करने में हेल्प करते हैं, रन करने में हेल्प नहीं करते हैं। एंड गूगल एड्स अकाउंट को सेटअप करना आपको ऑलरेडी इस वीडियो के खत्म होने तक आ ही जाएगा, सो यू डोंट नीड टू सेलेक्ट यस। मुझे यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी कि बैंक OTP वगैरह डालना पड़ेगा। नाउ आई अंडरस्टैंड कि अभी भी मैंने पोस्ट पे मेथड को सिलेक्ट किया है, ये जो अभी OTP वगैरह देना पड़ रहा है ये सिर्फ 2 rupees के नॉमिनल बैलेंस के लिए, सिर्फ बेसिकली वेरीफाई करने का तरीका है कि आपने जो डिटेल दी है उससे रियली में आपका अकाउंट कनेक्टेड है भी या नहीं है। नाउ इसके बाद आपका अकाउंट एक्चुअली में सेटअप हो चुका है, अभी भी हमें एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कराना होगा जहां पर आपको अपनी लीगल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बट आपके एड अकाउंट का जो बेसिक सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। सो हम क्लिक करेंगे एक्सप्लोर योर अकाउंट बटन पर। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक छोटा सा अलर्ट दिखाई दे रहा है, अपडेट योर टैक्स इन्फो। नाउ इस पार्ट को भी हम अभी फिनिश कर लेंगे ताकि आपका जो अकाउंट है वो 100% सेटअप हो जाए, रेडी हो जाए। तो हम क्लिक करेंगे फिक्स इट बटन पर, और यहां पर मुझसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, GST नंबर मेरे पास नहीं है, और GST नंबर
ऑप्शनल भी है, आपको जीएसटी नंबर या टैन नंबर देना कंपलसरी नहीं है। सो यहाँ पर सिर्फ मैंने अपनी पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी और इसके बाद मैं अपडेट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। रजिस्टर्ड इंडिविजुअल यहाँ पर सिलेक्टेड है बिकॉज मैंने इंडिविजुअल ही सिलेक्ट किया है अपने आप को। सो इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है। नाउ हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड में। नाउ ये डैशबोर्ड आपको पहली बार देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। ये जो लुक आपको दिखाई दे रहा है ये गूगल एड्स का नया लुक है। अगर मैं इस अपीयरेंस बटन पर क्लिक करूं और यूज प्रीवियस डिजाइन्स पर क्लिक कर दूं, थोड़ी देर टेम्परेली आपको दिखा देता हूं, जितने भी पुराने ट्यूटोरियल्स होंगे, पुराने वीडियोज होंगे, चाहे वो हमारे ही पुराने वीडियोज क्यों ना हो, सब में आपको ये लुक दिखाई देता है। सारे जितने पुराने ट्यूटोरियल्स हैं वो सारे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। बट बिकॉज गूगल इज मूविंग फॉरवर्ड टू न्यू डिजाइन, थोड़े दिनों में ये न्यू डिजाइन ही डिफॉल्ट हो जाएगा। गूगल इस नए डिजाइन को यूज करने जा रहा है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि हम इस ट्यूटोरियल की सीरीज को पुराने यूआई के साथ में कंटिन्यू करें। मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं एक्सप्लोर द न्यू डिजाइन और नए स्टाइल में नए जमाने के 2024 के गूगल एड्स को ही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और आपको यहाँ पर सबसे पहले जो मेन्यू दिखाई दे रहा है वो है बहुत ब्रॉड कैटेगरी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी आपके एड अकाउंट में जितने भी कैंपेन्स रन होने वाले हैं, जो आप एड ग्रुप बनाओगे, जो आप एड्स बनाओगे, उन सब की जो ऑप्शंस हैं वो आपको कैंपेन टैब पर क्लिक करने के बाद मिलेंगे। आपके गूगल एड की जो कन्वर्जन है, जो मेजरमेंट है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको गोल्स में मिलेंगे। टूल्स के अंदर आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। आपको आपके डेटा मैनेजर या फिर ट्रबल शूटिंग या जो बल्क में एक्शन ऑटोमेशन वाले ऑप्शन होते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आपको टूल्स के अंदर दिखाई देते हैं। बिलिंग ऑप्शन में आने के बाद आप अपने अकाउंट के बिलिंग डिटेल्स को सेटअप कर सकते हो और एडमिन ऑप्शन में आपको अपने अकाउंट में नए यूजर्स को ऐड करने, सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स मिलते हैं, प्रेफरेंसेस के ऑप्शंस मिलते हैं, नोटिफिकेशन के ऑप्शन मिलते हैं। सो हम इन सारे के सारे ऑप्शंस पर एक एक करके आएंगे। आज के वीडियो का टॉपिक ये सब कुछ नहीं, आज के वीडियो का टॉपिक है अकाउंट को क्रिएट करना एंड देन इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को देखना। So, objectives को देखने के लिए हम create button पर क्लिक करेंगे। इस रंग बिरंगे create button को क्लिक करके आप अपने Google Ads account में पहला campaign बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। इसकी जगह पर अगर आप चाहें तो आप इस new campaign नाम के button को क्लिक करके भी इस process को शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, आप कैंपेन टैब पर जाएंगे और कैंपेन टैब पर भी आपको ये न्यू कैंपेन नाम का बटन मिलेगा। सो कहीं पर भी आपको जहां पर भी प्लस बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें और न्यू कैंपेन सेलेक्ट करें और ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे सबसे पहले इस क्रिएट बटन पर और यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे कैंपेन। नाउ अब हमें दिखाई दे रहा है पहला विंडो ऑप्शंस का, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। गूगल हमें यहां पर ऑप्शन दे रहा है 6। नंबर 1 सेल्स, नंबर 2 लीड्स, नंबर 3 वेबसाइट ट्रैफिक, नंबर 4 ऐप प्रमोशन, नंबर 5 अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन और नंबर 5 लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन। ये जो 7th ऑप्शन है ये बेसिकली इन सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट करने का ऑप्शन है। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा कैंपेन चलाएं जिससे आपकी ऑनलाइन सेल हो, लोग आपके फोन नंबर पर कॉल करें या फिर आपके स्टोर पर विजिट करें, बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे सेल होनी चाहिए, तो हम इस सेल वाले ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट दिखाएं, लीड फॉर्म सबमिट करें, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लें, तो आप लीड्स नाम के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि सिर्फ हमारी वेबसाइट पर या हमारे लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक आना चाहिए, वो लीड में कन्वर्ट होते हैं नहीं होते हैं, वो अपनी डिटेल देते हैं नहीं देते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं नहीं करते हैं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, तो हम इस वेबसाइट ट्रैफिक नाम के ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये नया कैंपेन है वो आपके iOS या फिर एंड्रॉयड ऐप को प्रमोट करे, उस पर नए लोगों को इंस्टॉलेशन के लिए इनकरेज करे, तो हम इस ऐप प्रमोशन टाइप के ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप अवेयरनेस और कंसिडरेशन फैलाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हों, आपके ब्रांड के बारे में अवेयर हों, आपकी रीच बढ़े, तो आप इस अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन नाम के ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड अगर आप अपने लोकल बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, तो लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ यू मे थिंक कि आखिर ये सारे के सारे एड एक ही टाइप की ऑडियंस को दिखाए जाने वाले हैं और एक ही पर्सन है, वही पर्सन कभी मेरे वेबसाइट पर क्लिक करेगा, कभी मेरे ब्रांड के बारे में जानेगा, कभी तो लीड भी देगा और कभी वो एक्चुअली में परचेज भी कर सकता है, तो यहां पर मैं ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करके क्या हासिल कर लूंगा। नाउ जब भी आप किसी खास ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं तो गूगल दो काम करता है। नंबर 1, गूगल एड्स में जो बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उन सारे ऑप्शंस को हटाकर सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव के लिए जितने ऑप्शंस जरूरी हैं उन्हीं को आपके एड क्रिएशन वाले फ्लो में प्रेजेंट करता है आपको। सो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और नंबर 2 कि आपका जो एड है वो उसी टाइप की ऑडियंस को दिखाया जाता है जो पर्टिकुलर एक्शन को लेने में इंटरेस्टेड है। आपने नोटिस किया होगा कई बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मे बी आपके शॉप में, आपकी वेबसाइट पर आते हैं या आपके शॉप पर आएंगे, आपके स्टोर पर आएंगे और बहुत सारे आइटम्स को देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे,
लेकिन प्रोडक्ट परचेज नहीं करते या फिर कम करते हैं। वहीं दूसरे टाइप के भी लोग होते हैं जो किसी भी स्टोर पर जाने के बाद बहुत सारे आइटम्स को चेकआउट नहीं करते हैं, सिर्फ एक दो चीजों को देखते हैं और उसे इमीडिएटली परचेज कर लेते हैं। सो अगर हम सेल टाइप का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो गूगल ऐसे लोगों को आपके ऐड दिखाने के लिए ट्राई करता है जो परचेज ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप लीड सेलेक्ट करते हो तो आपका ऐड ऐसे लोगों को ज्यादा दिखाया जाता है जो मे बी परचेज ना करते हो ज्यादा, लेकिन वो लीड्स जल्दी फिल करते हैं, जल्दी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वहीं अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक नाम का कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो तो गूगल आपके ऐड को ऐसे लोगों को दिखाएगा जो बहुत जल्दी वेबसाइट पर क्लिक कर लेते हैं, ना वो परचेज करते हैं नहीं करते हैं, ये आपके अपने लैंडिंग पेज की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। सिमिलरली अगर आप ऐप प्रमोशन करना चाहते हो तो गूगल इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू ऐसे लोगों तक आपका ऐड ले जाएगा जो बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग हैं बहुत मिनिमल से ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिन ऐप्स पर उन्हें ट्रस्ट है, जिन्हें वो यूज करते हैं सिर्फ वो उन्हें ही यूज करते हैं, वो नए ऐप नहीं इंस्टॉल करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए से नए ऐप ढूंढते रहते हैं, तो आपका जो ऐप प्रमोशन वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको अच्छी ऑडियंस के पास ले जाने में हेल्प करता है। सो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप आखिर किस टाइप का एड कैंपेन चलाना चाहते हो। अगर आपको सेल करनी है तो सेल वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, अगर आपको लीड्स चाहिए तो आपको लीड्स वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, और अगर आपको वेबसाइट का ट्रैफिक चाहिए तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए उसे ही सेलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस वॉज आर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। नाउ इन ऑब्जेक्टिव के बेस पर कितने टाइप के एड बनाए जा सकते हैं ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अभी इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो चुकी है। एक बार में पूरी चीज आप ना सीख पाएंगे ना मैं बता पाऊंगा, इसीलिए हम लोग इस पूरी इंफॉर्मेशन को, इस पूरे कोर्स को पार्ट्स में डिवाइड करके ला रहे हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम देखेंगे कि कितने अलग अलग टाइप के एड्स बनाए जा सकते हैं। सो अगर आप इस वीडियो के साथ में अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वीडियो को फॉलो कर रहे थे तो अभी तक आपने अपना गूगल एड्स का अकाउंट अच्छे तरीके से बना लिया है, सही से सेटअप कर लिया है, और उसके अलावा आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम इस कैंपेन बनाने की प्रोसेस को शुरू करेंगे और एक सर्च एड बना कर देखेंगे कि आखिर कैसे अच्छी क्वालिटी के सर्च एड्स बनाए जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में और इस पूरी प्रोसेस को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।